दोस्तों साल 1995 में हबल टेलीस्कोप ने नाइट स्काई की इस तस्वीर को लगातार 10 दिनों तक कैप्चर किया था ताकि इसका एक HD मॉडल मिल सके। और जब इस तस्वीर के बीचों बीच किसी डार्क वॉइड जैसे दिखने वाली इस लोकेशन पर जूम करके देखा गया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर हल्की सी भी लाइट नहीं दिख रही थी उसी में डीपली कंसंट्रेट करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि उस छोटे से वॉइड के अंदर करीब 10,000 गैलेक्सीज एक वक्त में एग्जिस्ट किया करती थी। अब इसके लाइट पार्टिकल्स उन्हें हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई इस तस्वीर में मिले। यह तस्वीर ना सिर्फ हिस्टोरिकल थी बल्कि प्रूफ भी थी इस बात का कि अगर एक छोटे से वॉइड के अंदर 10,000 गैलेक्सीज हो सकती है तो इस पूरे ही यूनिवर्स में कितने ही मिस्टीरियस चीजें एक्सप्लोर करना भी बाकी है।